के रूप में मनाए, जिससे हमारी आगे आने वाली नस्लों के अंदर भी एक प्रेरणा पैदा हो, एक साहस पैदा हो, एक हौसला पैदा हो कि आवश्यकता पड़ेगी तो आगे हम भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने में पीछे नहीं हटे। अफसोस की बात है कि आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर सारे देश में अमृत महोत्सव मनाया गया। विशेष रूप से सरकार की तरफ से अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के नाम पर हमारे मीडिया के भाई बैठे हुए हैं, कितना ढिढोरा पीटा गया, कितना प्रचार किया गया। गर्व करने वाला दिन है कि इस माटी के उस शेर ने जिसको हिंदुस्तान जानता है और सलूट करता है, उसके शहादत दिवस पर कोई आकर के इस कार्यक्रम की शोभा नहीं बढ़ाता, बल्कि अपने आप को उपस्थिति दर्ज करा करके एक सच्चे भारतीय नागरिक होने का वो गौरव प्राप्त करता है। अफसोस हो रहा है, हमारे प्रशासनिक मशीनरी ने जाने कौन सा काम है, कितना जरूरी काम है कि वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस के अवसर पर भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। इस तरह से उपेक्षा इस वीर की शहादत का अपमान है। चंद क्षेत्रीय अधिकारी सेना का ब्रिगेडियर जबलपुर से चल के चला आया, हमारे जिले के अधिकारी क्या है, अगर मंत्री आ गया होता जिस तरह से योगासन है जीवन के लिए जरूरी, आजकल ऐसी मानसिकता के अधिकारी हो गए हैं कि वो तुरंत चमचासन में यहां खड़े दिखाई देते, आगे से पीछे तक सड़क से यहां तक कतार ही कतार दिखाई देती चमचागिरी करती। देश की बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठने वालों, इस धामपुर की धरती पर सेना का सबसे बड़ा जंगल आ चुका है वीर अब्दुल हमीद की शहादत को सलूट देने। यहां गवर्नर आ चुका है, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार का कोई मंत्री महामंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यहां आएगा तो वो गौरव प्राप्त करेगा, उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक शहीद के शहादत दिवस पर जाकर के उसने अपनी राष्ट्रभूमि की अपने राष्ट्रभक्ति की भावना का परिचय दिया। इसको नजरअंदाज करने वालों, तुम्हें शर्म आएगी, तुम्हें शर्म आएगी, मलाई काटो। 365 दिन मलाई काटने वालों, एक दिन एक घंटा को निकाल लिए होते। मैं तो दिल्ली से भाग के आया, मेरा जहाज लेट हो गया, मैं 1:30 बजे रात में घर पहुंचा, लेकिन एक संकल्प है। आयोजक बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे इंसान को प्रेरणा मिलती है, सबक लेना चाहिए। इस क्षेत्र की जनता के दिल में वीर अब्दुल हमीद एक हीरो है। अपने क्षेत्र की जनता को, छोटे छोटे गांवों के जनप्रतिनिधियों समाज सेवियों को, उन्हें प्रेरित कीजिए कि आज का दिवस एक त्योहार के रूप में मनाया जाए। कोई अधिकारी आए या ना आए, वो आके इस कार्यक्रम की गरिमा नहीं बढ़ाएगा, वो अपनी औकात बढ़ाएगा। और नहीं आएगा तो पता चलता है कि उसकी मानसिकता कितनी छोटी है। अब वीर अब्दुल हमीद से बड़ा नाम बता दे कोई मुझको गाजीपुर जनपद में, जो देश के पैमाने पर गर्व से आज भी सेना और सेना के जनरल सलूट देने आते हैं। हमारे क्षेत्र के चौराहे पर वसूली जारी रहे, अब सारे कार्यक्रमों का कमीशन कैसे आता रहे, सारी व्यवस्थाएं हमारी चलती रहे खाने पीने वाली, इसके लिए सारा समय है। और देश के मरने मिटने वालों के लिए
उसको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां के आयोजित कार्यक्रम में किसी तरह का कोई योगदान देने के लिए। बहुत अफसोस की बात है। आयोजक बंधुओं से कहूंगा कि आप लोग सत्ता के चकाचौंध में जो हर साल स्थानीय लोगों को कुछ देर के लिए नजरअंदाज करके और बड़े बड़े हुकरों और सायरनों के चक्कर में पड़ते हैं, ये ऐसे लोग हैं बिना किसी मतलब के कहीं जाते भी नहीं। यही तो मंच है, यही तो धामपुर है। कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन आरएसएस प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी कार्यक्रम लगा करके आए। आरएसएस के प्रमुख खुद कार्यक्रम लगा के आए, वीर अब्दुल हमीद को सम्मानित किए, पुस्तक का विमोचन किए, एक एजेंडे को भी पूरा किए। और आप सोचते हो कि यहां बैठने की जगह नहीं होती। हम लोग आते थे, गणपत के लिए गौरव का दिन है और क्षेत्र की जनता ने अगर इस कार्यक्रम के लिए बनावटी कार्यक्रम लिस्ट पढ़ दीजिए जितनी पढ़ना हो, इसने क्या किया क्या किया क्या किया। अरे इसने तो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया देश के लिए, अपना बलिदान दे दिया। और एक प्राण कौन देगा इसको, इसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक दिन तो याद करने के लिए हम विद्यालय के जो टीम के लोग आए हैं, इनको विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और अपने नौजवान बच्चों को जिन्होंने झांकियां प्रस्तुत की हैं, इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए देना चाहता हूं। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बिना किसी सरकारी मदद के आपने अपने दम पर इस शानदार कार्यक्रम को आयोजित किया है। आपकी नस्लें गर्व करेंगी। इस महावीर ने इस पीढ़ी को जो गौरव दिया, दुनिया में पहचान दी, तो इस कार्यक्रम को करने के लिए आप भी दिल बड़ा करिए। जो जहां हो आज के कार्यक्रम के लिए पहले से मीटिंग कीजिए, पहले से कार्यक्रम बनाइए, पहले से कमेटी बनाइए, स्थानीय पत्रकारों को उसमें सहयोग लीजिए और किसी को मंच से सम्मानित मत कीजिए। हम अपने संचालक साहब से कहेंगे आज के दिन किसी को बुला के सम्मानित नहीं किया जाता, सिर्फ एक निशानी दे दिया जाता है, मोमेंटो कि यादगार रहेगा कि मैं गया था, वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस के अवसर पर उसे सलूट कर। इसे सम्मानित करने का नाम हटा दीजिए, क्षमा करिएगा, मेरी जो समझ है छोटी सी वो ये है सम्मानित नहीं। और दूसरा, किसी से, किसी भी मेहमान से, किसी दूसरे को, दूसरे मेहमान या आगंतुक